Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So this video is going to be about the DIY scrub and the DIY mask which I usually apply. Please avoid my this pimple for the rest of the video. Before getting into the video, the shout out goes to these two beautiful people. Thank you so much girls for subscribing to my channel. If you also want a shout out on my channel, then all you have to do is subscribe to my channel, follow me on Instagram, take a screenshot and DM me. Now without any delay, apni video start karte hain. For our scrub, we need a bowl, we need some sugar, and we need honey. I have this chotu sa honey from Dabur. You can use any honey you want. So I'm going to take small amount of sugar inside the bowl and then going to add some honey to it. लेकिन अ वेरी लेस क्वांटिटी बिकॉज मुझे पता है कि ये बाद में वेस्ट होता है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ टू टेक. आई एम जस्ट गोइंग टू जेंटली मसाज इट. आई नो इट इज़ गोइंग टू लुक ग्रोस, बट या दैट्स हाउ यू आर सपोज टू डू. बहुत ज़्यादा हार्ड आप स्क्रब मत करिएगा, जस्ट बी जेंटल. आई नो इट इज़ गोइंग टू लुक ग्रोस, बट प्लीज़ हाँ अवॉइड. Always go in circular motion. Again, don't drag your skin down. We are going to massage it for a good 2 to 3 minutes. If you are unable to hold जो प्रेशर आपको लग रहा है, सो प्लीज़ आप मत करिए. सो आई हैव स्क्रब माई फेस फॉर गुड 2 to 3 मिनट्स. आई एम गोइंग टू बी लाइक दिस फॉर 7 to 10 मिनट्स, सो दैट हनी अपना काम कर पाए और मेरी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए. सो आई विल बी बैक विद इन 10 मिनट्स. My skin looks so moisturized. Now we will apply some face pack. For our DIY mask, we need 1/2 tablespoon of basin. If you want, you can increase the quantity of the basin. Then we need some lemon and few drops of honey. We also need 1/2 tablespoon of curd. Also guys, this is like ये भी मेरा बहुत फेवरेट फेस मास्क है, क्योंकि ये आपके स्किन से पूरा सन टैन रिमूव कर देता है एंड इंस्टेंट सन टैन रिमूव करता है. लाइक इट इज़ रियली हेल्पफुल. पहले भी मैंने ये फेस मास्क की रेसिपी बोलेंगे या फेस मास्क की रेसिपी, आई गेस रेसिपी बोलेंगे, या फेस मास्क के इंग्रेडिएंट्स, लाइक दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट. सो फेस मास्क के इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले भी शेयर किए हैं, क्योंकि लाइक दिस इज ऑल्सो हम इसे भी 10 to 15 मिनट्स तक रखेंगे, जब तक ये प्रॉपरली ड्राई नहीं हो जाता. उसके बाद हम वाटर स्प्रिंकल करके इसको मसाज करके रिमूव करेंगे. सो आई विल बी बैक आफ्टर 10 मिनट्स. For our next face mask, we need some multani mitti. I got this multani mitti from one of the local shop in my city. I have some rose water here from Color Bar, and in the bowl I am having some aloe vera gel. If your skin is sensitive, then please use natural aloe vera gel.
आई एम ऑल्सो गोइंग टू एड सम हनी बिकॉज हनी गिव माई स्किन अ गुड मॉइस्चर बिकॉज आई एम समवन हु हैज ड्राई स्किन सो इट इज़ टोटली ऑप्शनल इफ यू वॉन्ट टू एड इन दिस मिक्सचर इन दिस फेस पैक और नॉट. Oh my god, this, the fragrance is amazing because of the rose water. So ये बहुत ही अच्छी खुशबू दे रहा है. Also, if your skin is sensitive and lemon अगर आपको suit नहीं करता है तो you can skip lemon क्योंकि lemon थोड़ा सा face पे sensitive face पे irritation cause करता है. सो अगर लेमन आप स्किप करना चाहते हैं सो यू कैन स्किप इट. सो अभी ये पूरी तरीके से ड्राई हो गया है. जब हम इसे वॉश करेंगे क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी है तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगी रिमूव होने में. सो जस्ट बी पेशेंट एंड आराम से स्क्रब करके डोंट बी हार्श अगेन जस्ट बी लिटिल जेंटल एंड ऐसे आप रब करके इसको रिमूव कर सकते हैं. After this, just take any toner. Currently, I'm using this toner from Plum, and just going to apply it. Basically, toner का काम होता है जो pores open हो गए हैं उनको close करना. तो yes, मैं इसे hand में लेकर करती हूँ. And आपको toner को you have to press into your skin. So always try कि आप ऐसे जब भी toner लगाएं तो उसको dry नहीं होने दें. You have to just make sure कि toner आपके pores के अंदर जा रहा है so that वो क्लोज होता है. दैट वाज इट फॉर द वीडियो. आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड या टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड. फिर मिलेंगे. बाय.